Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine, safe and healthy. Okay, now today is Tuesday, the second day of the week, and your first class is English class. Take out your English textbook. Rabbi zidni ilma. Ey Allah, mere ilm mein izafa ata farma. O Allah, increase my knowledge. Ameen. ओके जी, जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि ऑन सैटरडे 5 सितंबर को आपने अपनी कॉपीज़ और बुक्स सबमिट करवानी है, ठीक है। स्कूल में आपने सबमिट करवानी है, किसी बैग में रख के उस पर अपना नेम लिख के उस पर अपने जूनियर कैंपस से हैं, अगर सीनियर कैंपस से हैं कि अगर चरसदा कैंपस से हैं उस पर अपना नेम परमानेंट मार्कर से अपना नेम राइट करना है, और उस नीचे राइट करने अपनी क्लास राइट करनी है, और जिस कैंपस से आप हैं उसका नेम राइट करना है, ठीक है। और इनिशियल्स आपने फिल करने हैं, बाहर से भी इनिशियल फिल करने हैं और अंदर से भी अपना नेम, क्लास और सब्जेक्ट राइट करना है। सेक्शन किसी ने भी राइट नहीं करना, ओके। अंदर भी आपने अपना नेम राइट करना है और सेक्शन राइट नहीं करना, और क्लास राइट करनी है और सब्जेक्ट राइट करनी, टीचर नेम भी किसी ने अभी राइट नहीं करना, ओके। नाउ योर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश क्लास, टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। दिस इज योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 10। ओके जी, नाउ टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 10। टुडे वी हैव स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ही शी इट। ओके जी, टुडे वी हैव स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ही शी इट, ही शी इट। फर्स्ट यू कैन राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 10। सी डॉट डब्ल्यू, टुडे इज ट्यूजडे, टी यू ई एस डी ए वाई डे, ट्यूजडे, एंड टुडे डेट इज 1 सितंबर 2020। आज हमारे पास अगस्त का मंथ ख़त्म हो गया, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सितंबर। सितंबर का आज का फर्स्ट डेट है सितंबर की, ठीक है। अगस्त इज फिनिश, ही शी इट। हम आज स्टार्ट करें न्यू कॉन्सेप्ट ही शी इट का। ही इज़ यूज्ड फॉर अ बॉय और मैन, ही इज़ यूज्ड फॉर अ बॉय और मैन। ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम किसी बॉय और मैन के बारे में बात कर रहे हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही, एच ई ही, एच ई ही। जब हम ही इज़ यूज्ड फॉर अ बॉय और मैन, जब हम किसी बॉय ये मीन्स के लड़के के बारे में या किसी आदमी के बारे में, मैन के बारे में बात कर रहे हो तो वी यूज़ ही, हम क्या लगाते हैं, ही यूज़ करते हैं उसके साथ। शी इज़ यूज्ड फॉर अ गर्ल एंड फॉर वोमेन, शी हम यूज़ करते हैं गर्ल के लिए, लड़की के लिए या वोमेन के लिए, औरत के लिए। इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स और थिंग्स, इट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए, जब हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हों, लाइक लायन, एलिफेंट, जिराफ, इनके बारे में जब हम बात कर रहे हों तो हम जो है वो इट यूज़ करते हैं। नो आइडिया, नो साउंड, क्यों नहीं आ रहा। प्लीज़ आप अपना माइक चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे सबको आवाज़ आ रही है। ज़ुमरान, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके जी, इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स और थिंग्स, जब हम किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हो या किसी चीज़ों के बारे में बात करो, लाइक चेयर, टेबल, पेंसिल, रेजर, बोर्ड, इस तरह की हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम ओके जी इट यूज़ करते हैं। ही इज़ यूज्ड फॉर अ बॉय और मैन, ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लड़के के लिए या मैन के लिए। और शी इज़ यूज्ड फॉर अ गर्ल और वमेन, शी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, गर्ल के लिए या वमेन के लिए, औरत के लिए,
ठीक है, एंड इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स और थिंग्स। इट हम यूज़ करते हैं किसी भी एनिमल के बारे में जब हम बात करते हैं या किसी भी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। ही एच ई ही शी एस एच ई शी एंड इट आई टी इट। ही की स्पेलिंग है एच ई ही शी। आपने पढ़ना है फोनिक प्रैक्टिस में कि जब हम एस एच को एक साथ लिखते हैं तो उसका साउंड आ जाता है श, तो ये है शी शी। आपने तो वैसे इस एस का साउंड पढ़ा है, स, स पढ़ा है ना, लेकिन जब हम एस और एच को एक साथ लिखते हैं तो उसका साउंड चेंज हो जाता है, उसका साउंड आता है श। तो ही शी इट। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ही शी इट का। ही इज़ यूज फॉर अ बॉय और मैन, शी इज़ यूज फॉर अ गर्ल और वमेन, इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। जब हम बात करें हो कि अली इज़ अ गुड बॉय तो हम बार बार अली का नेम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ही। ही इज़ He डू his homework time on time। ठीक है, जब हम अली के बारे में बात कर रहे हों और फिर उसके नीचे उसके बारे में बात कर रहे हों तो हम she ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब she के बारे में, जब हम किसी girl के बारे में, जैसे सारा is a good girl, तो हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि सारा डू his homework on times। ओके जी, क्वेश्चन इज मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड्स। ही शी इट शी इट। आज हम इसको मैच करेंगे। ओके जी, नाउ फर्स्ट वन इज ही। ही इज यूज फॉर अ बॉय, तो लुक एट दिस, इधर बॉय कहाँ पे है और ही इज यूज फॉर मैन, सो दिस इज अ, ही इज अ मैन, सो प्लीज जॉइन इट विद ही इज अ मैन। ही इज अ मैन, को मैं मार्कर से कर देती हूँ। ही इज अ मैन। ओके, नाउ सेकेंड वर्ड इज शी। शी इज अ गर्ल, गर्ल शी इज यूज फॉर अ गर्ल और वुमेन, सो शी इज अ गर्ल। आप इसको मैच कर दें शी के साथ, बिकॉज शी इज अ गर्ल। इट इज यूज फॉर एनिमल्स और फॉर थिंग्स, सो लुक एट दिस, इट इज़ एन एनिमल ना, जिसके इट्स अ रैबिट, रैबिट है, उसके हाथ में बास्केट है, बास्केट में उसने कैरेट्स रखी हुई हैं। ठीक है, सो यू कैन जॉइन इट विद द रैबिट, इट इज अ रैबिट, इट इज अ रैबिट। नाउ नेक्स्ट वन, शी अगेन, शी इज अ वुमेन, बिकॉज शी इज यूज फॉर गर्ल और वुमेन, सो यू कैन जॉइन इट विद शी, शी इज अ वुमेन, शी इज यूज फॉर अ गर्ल और वुमेन। ओके जी, इट, आई कैन टेल यू के इट इज यूज फॉर एनिमल्स और थिंग्स, सो टेबल इज अ थिंग ना, सो यू कैन जॉइन इट विद टेबल, इट इज अ टेबल। सी, आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही शी इट का। ही इज यूज फॉर अ बॉय, जब हम किसी बॉय के बारे में बात करते हैं तो हम उसके लिए ही यूज करते हैं। शी इज यूज फॉर अ गर्ल और वुमेन, शी हम तब यूज करते हैं जब हम किसी लड़की के बारे में या औरत के बारे में बात करें हो तो हम शी यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर एनिमल्स और थिंग्स, इट हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी एनिमल के बारे में बात करें हो या किसी चीज के बारे में बात करें हो। ठीक है, आज हमने किया क्वेश्चन इज मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड्स। ही इज अ मैन, ही हमने मैन के साथ मैच कर दिया। ठीक है, She is a girl, इसके साथ she, because she is used for a girl ना, so हमने उसको she girl के साथ match करी। It is used for animals, so this is an animal।